कोरोना संकट काल में जयराम सरकार ने प्रदेश को लूट लिया, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और पूरे देश में हमारे हिमाचल प्रदेश का सर नीचा किया गया, जब पूरी मानवता के ऊपर जान का संकट था, उस वक्त ये सरकार धनोपार्जन का भ्रष्टाचार करके धन कमाने का साधन ढूंढती रही, निस्संदेह ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है। हमारी सरकार से मांग है कि कोरोना संकट काल में कोविड फंड और जो भी आपने खरीदो फरोख्त की स्वास्थ्य विभाग में या अन्य विभागों में, या मजदूरों को राशन देने के नाम पर जो आपने पैसा खर्चा है, उसे एक एक पाई का हिसाब जनता को दें और उसको सार्वजनिक करें। अगर उस सब को सार्वजनिक करते हैं तो निस्संदेह जो महंगी खरीद हुई, जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हुई, वो चीज़ें सारी बेनकाब होंगी, बाहर आएंगी। अगर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी अपने इस कोविड फंड के वक्त, कोविड काल के वक्त किए गए कार्यों की अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं, निस्संदेह आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद इन सब खरीदो फरोख्त की जांच की जाएगी और जनता के सामने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम में किया है उसको बेनकाब किया जाएगा। भाजपा का ये पुराना तरीका है। आपको याद होगा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ये वही भाजपा सरकार थी जिसने शहीदों के कफन और तबूत के ऊपर भी घोटाले किए थे। तो जब ऐसा देश के ऊपर संकट हो, जब समाज के ऊपर संकट हो, उस वक्त धन उपार्जन का तरीका ढूंढना भाजपा की पुरानी आदत है। निस्संदेह इससे घृणित कृत्य और कोई नहीं हो सकता। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल, आपकी कार के लिए एक ऐसा नाम जो आपकी कार को आधुनिक रूप से रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस दे। फिर चाहे आपकी कार मारुति सुजुकी हो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा या फिर होंडा हो, आपकी कार के लिए आधुनिकता और विश्वसनीयता का बस एक ही नाम, कंपोनेंट ऑटोमोबाइल। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेल, परचेज, सर्विस, स्पेयर्स, कार वॉशिंग, होरंज, जिला हमीरपुर। फोन नंबर 8219466867।